हेलो दोस्तों, लीजिए मैं आपका डाउट 51 नंबर क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। क्या कहता है अ शॉपकीपर बाउट सम बल्ब्स फॉर RS 180 एंड सोल्ड सम फॉर RS 105। हाउ मेनी बल्ब्स आर लेफ्ट विथ द शॉपकीपर। बोलता है कि मान लीजिए कोई शॉपकीपर 180 रुपये में बल्ब खरीद के लाया, ठीक है। अब उसको कम ही बल्ब का जरूरत है, ठीक है, वो ज़्यादा खरीद के ले आया, उसको पैसा का भी जरूरत है, ऐसा समझ लीजिए। तो उसको क्या करेगा, बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो वो 180 में खरीद के लाया और 105 में बेच दिया, मतलब उसके पास अब कम बल्ब रहा, तो वही बल्ब पूछ रहा है कि कितना उसके पास बल्ब बच गया। तो ऐसे केस में ना रेट निकालने के लिए क्या करते हैं ना, जब कुछ नहीं दिया हुआ है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं। इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लीजिएगा, क्या हो जाएगा, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 हो जाएगा, ठीक है। और ये एक बल्ब का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, एक बल्ब का रेट निकला। अब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, देखिएगा 75 रुपये है, तो 75 से डिवाइड, क्योंकि 75 रुपये में बच गया उसके पास। 180 में खरीद के लाया, 105 रुपये बेच के तो कमा ही लिया ना, मतलब सेमी रेट पे बेच दिया। गांव में भी होता है इस तरह का, देखते होंगे, ठीक है। तो ये 75 रुपये हुआ, नहीं वो प्रॉफिट ले रहा है, नहीं लॉस हो रहा है उसको, इसको आप काट दीजिए, कितना बार में कटा, 15 5 बार में, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो गया। ये क्वेश्चन जो है SCF का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आप लोग को समझ गया होंगे क्या होगा इसका, क्योंकि एग्जामिनर में एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देता है जो आपको एक मिनट के अंदर में नहीं हो जाए, ठीक है, भले उस समय आपको प्रोसेस नहीं आता हो, और दूसरी बात है। चलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपका डाउट खत्म हो जाए, ठीक है। आपको डाउट इस चैनल पर बताया जाएगा, इस चैनल को अपने दोस्तों को कहिए, आप खुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।